नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आज आपको लेके चलता हूँ इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसको हम जानते हैं भारतीय प्राकृतिक वनस्पति। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम जानेंगे विश्व के वनस्पति को, विश्व की जलवायु किन वनस्पतियों पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलेंगे। उसके बाद वनों का वर्गीकरण, भारतीय वनों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इन वनों का वर्गीकरण ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के काल में क्या कहा जाता था। दूसरा, भारत स्वतंत्र हो गया तो भारतीय संविधान में किस प्रकार का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, यहां पर इसके बारे में चलेंगे। इसके अलावा भारतीय वनों का प्रकार, भारतीय वनों के प्रकार के बारे में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत में वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो भारत में भारतीय मानसून पर, आपको जलवायु पढ़ाए हैं उसमें आप देखे होंगे कि भारतीय मानसून पर सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पड़ता है। इस कारण भारतीय मानसून में देखें, वनस्पति के प्रभाव में देखेंगे तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन कहाँ पाए जाएंगे, तो जलवायु या मानसून की याद रखिएगा, जो लास्ट वीडियो में आप पढ़ाए हैं उसमें देखेंगे जिन जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है या अधिक वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा किन किन क्षेत्रों में बताए थे सबसे अधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में हो रही थी, इन वनों को वहां पर जानेंगे। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन ऐसे होते हैं कि जहां पर वर्षा नॉर्मली होता है और यहां की वनस्पति अपना पत्ता गिरा देती है और फिर दोबारा पत्ता जन्म होता है। तो इस प्रकार वनों को हम पर्णपाती वन कहते हैं या मानसूनी वन कहते हैं। अगला में देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन भारत में भी पाए जाते हैं। इन वनों का सबसे बड़ा खासियत है ये कि ये वन वसंत में या बिहार झारखंड के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन वनों का आर्थिक या संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, शुष्क वनों का। अगला वन भारत में पाया जाता है मरुस्थलीय वन। इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, ये वन भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेल्टाई वन। यह वन भारत में सबसे अधिक या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन हमें मिलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पर, जिसे आप सुंदर वन के नाम से जानते हैं। यहां के वनस्पति में हम मैंग्रोव टाइप का वनस्पति को जानेंगे। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। हिमालय पर पाए जाने वाले या पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति को हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, आपको वनस्पति पढ़ाने के पहले हम विश्व के जलवायु से विश्व के वनस्पति को पहले जान ले। तो विश्व के जलवायु में देखेंगे, तो पहले हम बताएं आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में विश्व को कटिबंधों में विभाजित किया जाता था, किस आधार पर किया गया है। यह विभाजन तापमान के क्रमिक विस्तार के रूप में किया गया था। तो हम किन किन कटिबंधों को जाने थे, पहला उष्ण कटिबंध को जाने थे, उपोष्ण कटिबंध को जाने थे और शीत कटिबंध को जाने थे। इनका विस्तार के बारे में आपको बता चुके हैं। इन वनों से क्या प्रभाव पड़ता है, ये कटिबंधीय क्षेत्र जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन जलवायु क्षेत्रों के आधार पर वनस्पति का निर्माण होता है। भारत का पोजिशन यहां पर है, इस कारण भारत में सैद्धांतिक रूप से दो प्रकार के वनस्पति या दो प्रकार से के जलवायु पाए जाते, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। परंतु वनस्पति के क्षेत्र में हम देखेंगे प्रसार का, तो सबसे अधिक प्रसार उष्ण कटिबंधीय वनों का पाया जाता है। विश्व मैप पर हम देखेंगे तो जिन क्षेत्रों में पवनों, दो पवन, गर्म पवन और ठंडा पवन आकर मिलती है या टकराती है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहला हम देखेंगे विषुवतीय क्षेत्र को। विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है, यहां सामान्य वर्षा होता है, साल के 365 दिन डेली 12 बजे के बाद वर्षा होता है। इस कारण यहां आर्द्रता, यहां की जलवायु में आर्द्रता और टेम्परेचर दोनों समान मात्रा में पाई जाती है, इस कारण यहाँ के वन सदाबहार पाए जाएंगे। तो सबसे पहले विश्व में हम देखेंगे जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर स्थित है उस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर सहनीय वर्षा होती है और प्रत्येक दिन होती है, इस कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे।
दूसरा सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा, तो हम जानेंगे 23.5 डिग्री या 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य। यहां पर क्या हो रहा है, पछुआ पवन विषुवतीय पवन से टकरा रहा है, इस कारण यहां भी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, यह भी सदाबहार वन पाए जाएंगे। सेम पोजिशन कर्क रेखा पर देखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर पछुआ पवनों और व्यापारी पवनों के टकराने के कारण यहां सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है और इससे सदाबहार वन पाए जाएंगे। दूसरा एक और सिद्धांत है वर्षा होने का या वनस्पति का स्वरूप में, यहां पर आपको बताए थे पवन का डायरेक्शन, तो हम अभी जान रहे टेम्परेचर के कारण और पवन के कारण वर्षा होती है। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जलवायु या वर्षा कराने का दो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, पवन, तापमान और एक चीज और बताए थे आर्द्रता। ये तीन फैक्टर था जिसमें हम पवन को जानेंगे और कटिबंध को जानेंगे। तो यहां पर हम जान रहे कि पवन का डायरेक्शन क्या है, पृथ्वी के मैप पर हम देखेंगे तो पवन 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के मध्य पवन का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट की ओर, और जबकि 23.5 से लेकर ऊपर जाएंगे तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर। इस प्रकार पवनों का दिशा निर्धारित करता है कहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे और कहां पर वनपति वन पाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी तट पर व्यापारी पवनों द्वारा लाई गई आर्द्रता को गिरा दिया जाता है, इस कारण यहां पर पूर्वी तट 23.5 डिग्री या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, जबकि पर्वतों के विमुख क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि उपोष्णकटिबंध, आपको उपोष्णकटिबंध का लोकेशन बताया है, उपोष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि पछुआ पवन समुद्र से आएगा तो सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर सबसे अधिक वर्षा कराएगी, इस कारण यहां सदाबहार वन पाए जाएंगे और इसके अपोजिट हमें पर्णपाती वन पाए जाएंगे। यहां भारत में देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, आपको ये विश्व हम प्राकृतिक वनस्पति में आपको ये बताएंगे, यहां पर भारत को हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले वनस्पति किसे कहा जाता है, एक नॉर्मल अगर थ्योरी पूछा जाए या डिफिनेशन पूछा जाए तो वनस्पति किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे या वे पादप जगत हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना खुद ब खुद जन्म लेते हैं, इन पादपों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्लियर है, डिफिनेशन क्लियर हुआ कि जो मानव हस्तक्षेप के बिना या मानव रहित प्राकृतिक रूप से पनपने वाले वनस्पति को या वनों को वनस्पति के रूप में जाना जाता है। इन वनों का एक चीज और, भारत में सर्वाधिक मात्रा में तिब्बत से लाई गई वनों का क्षेत्र पाया जाता है, सबसे अधिक इन्हें सजावटी सामग्री के रूप में लाया गया था, मगर इनका प्रसार बहुत ज्यादा हो अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा हो चुका है और ये भारत की समस्या बनती जा रही है, इन प्रकार के वनस्पति भारत की समस्या बनती जा रही है। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखते हैं, तो ब्रिटिश शासन काल में तीन प्रकार का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आरक्षित क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट, ब्रिटिश वनस्पतियों का महत्व जानते थे, इस कारण उन्होंने सबसे पहले रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय वनों के 54% हिस्सा को शामिल किया, इन वनों पर सरकार का नियंत्रण होता था। दूसरा संरक्षित वन, ऐसे वन थे जिनका प्रयोग समुदाय या गांव के लोग भी कृषि या पशुपालन या चारागाह के रूप में कर सकते थे, जबकि अवर्गीकृत भारत में ब्रिटिश काल में 17% भाग ऐसे वनों का क्षेत्र है जिनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है कि किस प्रकार का वन में रखा जाएगा, जबकि भारत आजाद होने के बाद भारतीय संविधान में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला राजकीय वन, भारत के वनों का 95% एस्टेट फॉरेस्ट में आता है जो गवर्नमेंट के अधीन है, यहां जंगलों को काटना या पेड़ों को काटना या पशु को चराना कानूनन जुर्म है। दूसरा सामुदायिक वन, इस प्रकार के वनों में कम्युनिटी फॉरेस्ट में 3.1% का हिस्सा शामिल है, इस प्रकार के वनों में चारागाह के रूप में या पेड़ों का दोहन किया जा सकता है। अगला है इंडिविजुअल व्यक्तिगत वन, व्यक्तिगत वन की श्रेणी में 1.7% का हिस्सा शामिल किया गया है।
इस प्रकार हम देखेंगे ब्रिटिश काल में और भारत के स्वतंत्रता काल में किस किस प्रकार का वनों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वनों का वर्गीकरण या वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में भारत में सबसे अधिक हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भारत का लोकेशन है यहां पर, तो भारत में नॉर्मली सैद्धांतिक रूप से उपोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध पाए जाने चाहिए, परंतु ऐसा वनस्पति के रूप में नहीं होता है। भारत में पहला वनस्पति पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रे फॉरेस्ट। इसके बारे में आपको बताते हैं, तो देखते हैं हम लोग वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में सबसे पहला वन हमें पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आप इसका मतलब से क्लियर, सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला वन। तो नॉर्मली अगर हम लोग नहीं जानते ज्योग्राफी, उसके बाद भी अगर पूछा जाए कि सदाबहार किस क्षेत्र में रहा जाए वन पाए जाएंगे, तो जहां पर वर्षा सबसे अधिक पाई जाएगी वहीं पर। तो जलवायु से इसे रिलेट कीजिएगा, इंडियन जलवायु को हम पढ़ाए हैं, अब रिलेट कीजिए कि किस किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा पाई गई थी, उन उन राज्यों में सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये वन पूरे भारत के 49% एरिया को कवर करता है। पूरे भारत में वनों का परसेंटेज में 49% सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पाए जाते हैं। क्लियर है? दूसरा, इस वन में कैसे किस प्रकार के वनस्पतियां पाए जाएंगे, तो इस वन में आर्थिक दृष्टि से सभी अच्छे वन नहीं है, यह आर्थिक संसाधन की दृष्टि से बहुत बेकार वन पाए जाते हैं। यहां पर इनका प्रयोग आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से लकड़ी पाए जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे यहां पर मैप में, तो इसमें रबड़, रबड़ उत्पादन होता है, महोगनी और आयरन वुड, इसके अलावा बांस यहां के प्रमुख वनस्पतियां हैं। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे वन तो नहीं है, मगर इसका विस्तार परीक्षा के उपयोगी बहुत ज्यादा है कि इसका विस्तार किस किस क्षेत्र में है। तो हम जलवायु से जोड़ के देखते हैं, तो हम बताए थे कि भारत में मानसून सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट को छूता है, इस कारण पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट जान रहे, जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिम में पाए जाने वाले वनस्पति सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको पता है कि इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल का पश्चिमी किनारा शामिल होगा। इसके अलावा जब आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र मिलेगा। दूसरा, आपको अरुणाचल, सेवन सिस्टर के लगभग सभी राज्य इस वनस्पति के क्षेत्र में है, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी सेवन सिस्टर के सभी राज्य सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हम जलवायु में पढ़ा चुके हैं आपको। यहां का तापमान, इस प्रकार के वनस्पति का तापमान नॉर्मली 25 से लेकर 27 डिग्री के मध्य होना चाहिए, परंतु वर्षा 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है, वहीं पर ऐसे वनस्पति पाई जाएगी। इन वनस्पतियों की खासियत क्या है कि इसमें सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करने का होड़ मचा रहता है, इस कारण इस प्रकार के वनों में पेड़ बहुत लंबे और ऊंचे पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे वर्ल्ड वनस्पति, वर्ल्ड आपको पढ़ाए थे अभी जस्ट, विश्व वनस्पति में आपको बताए थे कि भूमध्य रेखीय जलवायु में सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, इस कारण वहां के वनस्पति बहुत लंबे और बहुत ही घने पाए जाते हैं। सेम यहां पर है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे घने और सबसे ऊंचे पाए जाएंगे, परंतु इनका आर्थिक महत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब आपको क्लियर है, पर्णपाती दोबारा पत्ता निकलना, या इन वनों को पतझड़ वन के नाम पर भी जानते हैं। ये गर्मी के पहले, ग्रीष्मकाल के पहले अपनी पत्तों को गिरा देते हैं और ग्रीष्मकाल में ये अपने पत्तों को फिर से जन्म लेते हैं। इससे इसमें नमी का कंट्रोल या नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। इन वनों में सबसे बड़ी खासियत है ये आर्थिक दृष्टि से सबसे लाभकारी क्षेत्र हैं। इन वनों का विस्तार, अभी हम एक पहले पढ़े हैं सदाबहार वन, आपको पता है सदाबहार वन आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी नहीं था, और इसका विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां पर सबसे अधिक तापमान एवं सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग जान रहे थे पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय, बोले थे भारतीय मानसून में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का होता है,
और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की खासियत है कि ये वन अपने ग्रीष्म काल में पत्तों को गिरा देती है और फिर ग्रीष्म काल में पत्तों को जन्म देती है। इस प्रकार इसे पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन आर्थिक दृष्टि से सबसे लाभकारी है, परंतु इनका प्रतिशत भारतीय वनों में मात्र 25% का है। 25% हिस्सा ही इन वनों का पाया जाता है। इन वनों में सबसे देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो साल, साल का वृक्ष जानते हैं आप, सागवान बहुत उपयोगी वृक्ष है, बहुत मजबूत वृक्ष है, शीशम इसी में पाया जाता है, चंदन इसी वन में पाया जाएगा, महुआ, आम, इस प्रकार के वन या वनस्पति जो पाए जाते हैं जिनका आर्थिक संसाधन में उपयोग किया जाता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इस प्रकार के वन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन वनों की खासियत क्या है, ये अपने पत्तों को गिरा देती है, इस कारण इन वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनका विस्तार देखेंगे तो इनका विस्तार, ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्णपाती वन का विस्तार कहां पर है या मानसूनी वन का विस्तार कहां पर है। तो हम देखेंगे ये जो रीजन है, मतलब यहां पर आपको अपवाह तंत्र पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको पता है कि यहां पर एक गंगा नदी है। गंगा नदी के हिस्से में या भंवर प्रदेश या तराई प्रदेश में इस प्रकार के वनों का क्षेत्र पाया जाता है। आपको हम बहुत भौगोलिक स्वरूप पढ़ाए थे भारत का, उसमें आपको याद होगा भंवर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश के रूप में मैदानी हिस्सों को बांटे थे। तो इन वनों का सबसे ज्यादा विस्तार हम लोग देखेंगे तराई क्षेत्र और भंवर प्रदेश में, जो उत्तराखंड से लेके यूपी से लेके बिहार तक फैला है। तो इन वनों का सबसे बड़ा हम देखेंगे जमावड़ा कहां पर है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नीचे में आएंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये बहुत बड़े क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन वनों का बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा, नीचे में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन वनों के क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्सा में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्सा में सदाबहार वन और पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्सा में पर्णपाती वन, इन वनों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, मानसूनी वन और पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहां पर पाए जाएंगे, ये आपको बताते हैं। शुष्क वन को जानते हैं ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ये क्या है, तो हम लोग सदाबहार वन को जाने कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहां का वर्षा का क्षमता है 400 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाएगी यहां पर। इन वनों के क्षेत्र में 25 से लेकर 27 सेल्सियस तक तापमान पाई जाती है। इन वनों का विस्तार आपको पता बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आप जाने कि या मानसूनी वन किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वन ऐसे क्षेत्र में या यहां का वर्षा का कैपेसिटी है 100 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाएगी। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में तापमान मिलता है या टेम्परेचर मिलता है, इस कारण ये वन मोटे छाल वाले वृक्षों से ढके हैं। वे छाल अपने में जल को संचित करके रखते हैं, इस कारण इन क्षेत्रों के वनों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के वन में शीशम, चंदन, महुआ, इस प्रकार के बहुत सारे वन पाए जाएंगे, ये पेड़ पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय, हाँ, इन वनों का विस्तार, तो इन वनों का सबसे अधिक विस्तार हमको हरियाणा में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा और मध्य प्रदेश का छोटा सा हिस्सा में पाया जाएगा इस प्रकार का वन, दूसरा पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। तो हम जाने उष्णकटिबंधीय शुष्क वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए गए थे। इन वनों में सेम प्रकार की लकड़ी पाई जाएगी जैसा पर्णपाती वन में देखे थे, हम लोग देखे थे उसमें भी शीशम पाए जाते हैं, सागवान पाए जाते हैं। इसमें एक खासियत है, शुष्क वन में केवल मोटे छाल वाले वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय भूमि, यह भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इन वनों की खासियत है ये कटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है, इनका कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है, यह अपने आप को बचाने के लिए इनका तना बहुत लंबा और इनका शीर्ष नुकीला होता है। ये झाड़ियों, ये छोटे छोटे
जंगलों के रूप में पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार हमें राजस्थान और हरियाणा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेल्टाई वन, डेल्टाई वन कहां पाए जाएंगे? तो जहां पर नदियों द्वारा मुहाना का निर्माण किया गया है उन क्षेत्रों में डेल्टाई वन पाए जाते हैं। इन वनों में मैंग्रोव टाइप के वनस्पति पाए जाएंगे। मैंग्रोव कैसा होता है? वह समुद्र में या खारे पानी या पानी में जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में हम देखेंगे सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन कहां पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। कैसा वनस्पति है? मैंग्रोव टाइप का वनस्पति है। इसके अलावा गोदावरी महानदी का डेल्टा पर भी इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हिमालय रेंज में पाई जाती है, परंतु इन वनों में अलग अलग प्रकार के वैरायटी पाए जाएंगे। कुछ वनों को टुंड्रा तुल्य जलवायु में सर्वाइव करने की क्षमता है, कुछ टैगर तुल्य जलवायु में सर्वाइव करने की क्षमता है। आइए पर्वतीय वनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। इस प्रकार हम देखें भारत में वनों के 6 प्रकार हैं। इसमें सर्वाधिक विस्तार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पाया गया था और बाकी इन वनों के बारे में आप जान चुके हैं। भारत में वनों की समस्या और उनके निराकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सवाल आते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। तो भारत में वनों का असमान वितरण है। भारत में नॉर्मली भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% वन होने चाहिए, परंतु वर्तमान में मात्र 20% ही वन पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में नुकसान हमें देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम राज्यों में, सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले 1894 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान में पहली बार वन नीति लाई गई, परंतु आजादी के बाद 1954 में पहला वन नीति आया। इसमें 1984 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा पूरे राज्यों का भूमि का 33% वन आरक्षित श्रेणी में डाला गया, जिस पर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन वनों की कटाई एवं इनका दोहन पूर्णतः कानूनी अपराध है। इस प्रकार हम जानेंगे भारत का वनों का लक्ष्य क्या है, 33% निर्धारित किया गया। भारत में वन नीति कब लाया गया था? तो 1894 में ब्रिटिश काल में लाया गया था, और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 और 1988 में वन नीति को लागू किया गया। इस प्रकार हम जानेंगे ये टॉपिक को, भारत के वनस्पति। अब नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य, भारत के वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो वन वनस्पति और वन को आप जान गए। अब वन्य जीव अभयारण्य जीवों की या इकोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने विश्व के संस्था यूनेस्को द्वारा कुछ मानदंड तय किया है, जिसके आधार पर बायो रिजर्व क्षेत्र का निर्माण किया गया या वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं।